A very good morning to my dear little chaps. Life can be shaped in a desired way by changing your habits. We can shape our future in a better way, changing our weak lifestyle into a healthier and lively one. हम अपने लाइफस्टाइल को जो बहुत वीक है हमारा लाइफस्टाइल उसको चेंज करके हम अपनी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं शेप दे सकते हैं. लेट्स रिवाइज आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिवाइज करेंगे. हम ये देखेंगे कि उसको अगर वो असेसमेंट में आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन. हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. इफ द सेंटेंस इज ही हैज क्लीन द रूम. तो अगर ये पूछा जाता है सेंटेंस को ही हैज क्लीन द रूम, पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस हमारा जो है वो इज दिस सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. पहले तो हमें ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है. चिल्ड्रन लेट्स रिवाइज आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Children, if you have to attempt question, identify and write the voice of given sentences. What you will be doing? क्या करेंगे आप फिर? ये आपको sentence given है. He has cleaned the room. आपने identify करना है. Identify पहचानना है. The and write the voice of given sentences. ये sentences given है ना आपको? तो आपने इनको पहचान के लिखना है कि कौन सी voice में है. Active में है. Now here, he is a subject. He यहाँ पे subject है and subject is receiving the what he is receiving. Subject is receiving the action of the verb. ठीक है. और ये हमारा रूम जो है वो object है ना. तो subject जो है वो action of verb receive कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा कौन सा है ये voice. This is active voice. तो आपने क्या लिखना है इसका आंसर इज एक्टिव. यू हैव टू राइट ओनली एक्टिव वॉइस. देन द नेक्स्ट वन इज द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय हिम. नेक्स्ट सेंटेंस को देखो. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके हमारा इस सेंटेंस में क्या बन गया है. नाउ दिस हैज बिकम सब्जेक्ट. अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था ही वो इंटरचेंज होके वो क्या है हिम में कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट बन के. ठीक है. अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया है. तो ये क्या है जब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में तो ये कौन सा हमारा वॉइस हो जाता है. दिस इज पैसिव वॉइस. एंड यू हैव टू राइट हियर द आंसर पैसिव वॉइस. इन दिस मैनर यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. अब यहाँ पे हमें क्या करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को. दैट मीन्स वी हैव टू रीराइट द सेंटेंस. पूरा सेंटेंस लिखेंगे ना फिर से. तो कैसे अटेम्प्ट करोगे. यहाँ पे देखो आई क्या है. आई इज सब्जेक्ट लाइक वर्ब एंड आइसक्रीम ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा. क्या आएगा आइसक्रीम. यहाँ पे लाइक है ना तो लाइक कौन सी फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म. तो प्रेजेंट टेंस में है ये. तो अब हमारा जो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे प्रेजेंट में. तो कैसे आएगा इसका क्या हो जाएगा इज लाइक बाय. अब आई जो सब्जेक्ट है वो यहां लास्ट में चला जाएगा. ठीक है. वो आई को चेंज करके क्या लिखेंगे हम बाय मी. आई का मी.
आइसक्रीम इज लाइक बाय मी. अब ये हमारा सेंटेंस किसमें है? एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस. और ये किसमें आ गया? पैसिव वॉइस. रिवाइज द नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. थ्री टेंसेस हमारे कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तीनों टेंसेस हैं. प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है. इसके आगे सब पार्ट्स हैं. प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन से टेंसेस पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसी तरह से पास्ट टेंस में भी ऐसे ही, देन फ्यूचर टेंस में भी ऐसे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सी, राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा क्या यूज करते हैं हम? जब हम सिंगुलर नाउन हमारे पास होता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. और अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एस या ई एस की कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है हम. और आई के साथ भी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई है, आई डैश वेल इन द मॉर्निंग. और हमें वर्ब क्या दिया हुआ है? ड्रिंक. ड्रिंक को देखो हमने आई है तो कैसे लिखना है? आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी गिवन है ना, ड्रिंक. तो हम क्या लिखेंगे? आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग. सपोज द आंसर इज ड्रिंक, तो आपने कैसे लिखना है? यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल इट्स क्वेश्चन ए. क्वेश्चन ए पार्ट वन आंसर इज ड्रिंक. You have to write answer like this. The next is number 2. He dashed football in the ground. The verb is play. अब देखिए आप, he क्या है? Singular है ना? तो singular के साथ क्या आएगा? First form of verb. Already given है first form of verb play. तो साथ में उसके plus क्या है? S या ES. अब हम क्या लगाएंगे? S इसके साथ लगाएंगे. क्या बन जाएगा? He plays football in the ground. The answer is plays. तो क्या लिखना है? Number 2, plays. Next, number 3, we dash to school daily. The verb is go. अब देखो we क्या है? Plural. तो plural के साथ हमने क्या लगाना है? Only first form of verb. Go जो है as it is लिखेंगे we go to school. तो यहाँ पे नंबर 3 आंसर इज गो. लाइक दिस यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो हमें यूज करनी है. तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या है, इसका रूल क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का. तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. और आई लगाते हैं तो आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं. एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. नाउ सी हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हमने सिर्फ ये फिलअप फिल करना है ना, फिल करना है इसको. तो क्या करेंगे? ही डैश अ लेटर. अब हमें राइट को
ऑलरेडी गिवन प्लस आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, ही इज राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो राइटिंग बन जाएगा ना, ही इज राइटिंग अ लेटर. नाउ द आंसर इज राइटिंग. अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन बी, बी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, इज राइटिंग. Next question is, next sentence is Lata and her friends are, sorry, Lata and her friends dash. Lata and her friends dash. तो क्या आएगा इसमें, Lata and her friends क्या है, ये friends भी हो गई और Lata भी हो गई, ये क्या हो गया, plural. तो plural में हम क्या use करते हैं, are. R is our first form of verb. Verb हमारे given है saint plus ing. तो क्या आ जाएगा, Lata and her friends are singing. ठीक है, तो कैसे attempt करेंगे, question B part 2, are singing and the next is R dash to the market. अब हमने क्या करना है, आई के साथ क्या लगाते हैं, रूल में देखो, एंड एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी. अब फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ आई एन जी लगा के क्या बना, गोइंग. क्या आएगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट. अटेम्प्ट करते हुए कैसे लिखोगे, क्वेश्चन बी थर्ड पार्ट, आई एम गोइंग to the market. Like this, you have to attempt this question. Children, today I will tell you about Sarojini Naidu. She was born on 13 February 1879 in Hyderabad. बेटा सरोजनी नायडू जो हैं वो 13 फरवरी में 1879 में उनका बर्थ हैदराबाद में हुआ. She was a great political activist, feminist, poet, and the first woman, Indian woman, to be the president of Indian National Congress. बेटा वो बहुत ही महान political activist थी, राजनीतिज्ञ थी, feminist थी, poet थी, और वो India की first woman थी, Indian woman थी, जो कि Indian National Congress की president रही. She was also called as Nightingale of India. उनको Nightingale of India भी, शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएट इन इंग्लिश. इंग्लिश में उन्होंने बहुत पोएट्री लिखी हैं, वो इंग्लिश की पोएट्री भी बहुत लिखती थी, एंड शी वॉज द पार्टिसिपेंट ऑफ ऑल द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लाइक डांडी मार्च विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. जो भी हमारे नॉन वायलेंट जो भी प्रोटेस्ट होते थे उन सब में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी. एंड शी डाइड ऑन 2 मार्च 1949 एट द एज ऑफ 70 एट लखनऊ. लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई 1949 में 2 मार्च को. नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी वर्ड. टुडे वी रिवाइज वोकैबुलरी. फर्स्ट इज क्वैक, क्यू यू A C K, quack. Quack means sound of a duck. Duck की sound. Animals की different different sounds हमने की हुई है ना, तो this is a sound of a duck. Next is qualify, Q U A L I F Y, qualify. Qualify means capable. आप किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होते हो, योग्य होते हो. क्वालिफिकेशन होती है ना आपके, क्वालिफाई किसी के लिए योग्य होना. नेक्स्ट इज क्वांटिटी, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई. क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, कि कितनी अमाउंट है किसी चीज़ की, कितनी मात्रा है, कितनी है कोई भी चीज़. नेक्स्ट इज क्वारंटीन. बेटा इस वर्ड से तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, नाउडेज ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं हम इस वर्ड को. Q U A R A N T I
N-E. Quarantine. Quarantine means isolation to prevent spread of disease. किसी भी disease को फैलने से रोकने के लिए जब हम अपने आप को किसी जगह पे एक isolate कर लेते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, बंद हो जाते हैं, that is called quarantine. Next is quarrel. Q-U-A-R-R-E-L. Quarrel. Quarrel means dispute, झगड़ा. Now we will revise vocabulary words with R, alphabet R. Number one is religious, R-E-L-I-G-I-O-U-S. Religious, religious means related to religion, धार्मिक. धर्म से संबंधित जो भी होता है, that is religious. Next is recapitulate, R-E-C-A-P-I-T-U-L-A-T-E. Recapitulate means summarize briefly. किसी भी चीज़ को दोहराना. जब हम repeat करते हैं, किसी चीज़ को revise करते हैं, तो उसको recapitulation कहते हैं. Next is recipient, R-E-C-I-P-I-E-N-T. Recipient means a person to whom something is sent. जैसे हम कोई भी letter वगैरह लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ना कि recipient's address, है ना. तो recipient क्या होता है, जिसको हम वो letter लिख रहे हैं, जिसको वो भेज रहे हैं, जिसको वो मिलनी है, कोई gift किसी को देते हैं, जिसको वो मिलना होता है, that is the recipient. Recipient. Next is reciprocate, R-E-C-I-P-R-O-C-A-T-E. Reciprocate means in return, बदले में. हम return करते हैं ना किसी भी चीज़ को, that is reciprocate. And the last one is renowned, R-E-N-O-W-N-E-D. Renowned means well known, बहुत जाना माना, प्रसिद्ध. Children, do practice of lesson number 9, S. 10, 11, 12 number of grammar safety. And vocabulary words. S-A-F-E. We'll meet again in our next safety. Class. Suraksha. Till then, not take care of danger. Yourself. Bye-bye. Safe कहते हैं ना, हम safe हैं, हम सुरक्षित हैं. Safety means सुरक्षा. Number 2 is several. S-E-V-E-R-A-L. Several means more than two, but not many, a few, थोड़े से, ठीक है, बहुत सारे भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़े, a few. Next is sad, S-A-D, sad, unhappy, दुखी. Next is severe, S-E-V-E-R-E, severe means serious, गंभीर. Next is, the last one is settle, S-E-T-T-L-E, settle. Settle means to decide, किसी भी चीज़ को सुलझाना. Now we'll revise vocabulary words with alphabet T. Number one is tactful, T-A-C-T-F-U-L. Tactful means having sense how to deal with others. विनम्र, दूसरों से हमें डील करना आना चाहिए. कैसे हम डील करते हैं, कैसे किसी को ट्रैक्ट करना है, विनम्र. नेक्स्ट नंबर 2 इज टैरिफ, टी ई डबल आर आई एफ, टैरिफ. टैरिफ मीन्स गवर्नमेंट टैक्स, कीमत, वैल्यू. किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है ना, कीमत होती है, प्राइस, दैट इज कॉल्ड टैरिफ. नेक्स्ट इज नंबर 3 टेम्परामेंट, टी ई एम P-E-R-A-M-E-N-T. Temperament means usual mood, कि हमारा स्वभाव कैसा है, ठीक है. And next is temporary, T-E-M-P-O-R-A-R-Y. Temporary means for short time, अस्थाई, थोड़े time के लिए. Next is tentative, T-E-N-T-A T-I-V-E. Tentative means not decided, but in opinion. ठीक है, कभी भी कुछ कोई चीज़ अगर हम decide नहीं करते, थोड़ा सा mind में होता है, एक सोच होती है, एक opinion होता है, अनिश्चित जिसको बोलते हैं हिंदी में, that is called tentative. Next is terminal, T-E-R-M-I-N-A-L.
Terminal means a station where vehicles load or unload passengers or goods. ऐसा स्टेशन, अंतिम जो स्टेशन होता है, लास्ट स्टेशन, जहाँ पे कि पैसेंजर्स और गुड्स को, चीज़ों को लोड अनलोड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल.